कानपुर के थाना बजरिया इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पार्क में खेल रहे बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष में मारपीट हो गई। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बवाल कर रहे लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी कौशलपुरी के मंडल अध्यक्ष अभिमन्यु सक्सेना ने बताया कि उनकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से क्षेत्र के दबंग लोगों ने मारपीट की और अभद्रता की, जिसको लेकर थाना बजरिया में लिखित शिकायत कर दी गई है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं बवाल की सूचना पर ACP ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। क्या घटना हुई अभी बजरिया थाने में? मैं मन्नू सक्सेना, कौशलपुरी मंडल का अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। आज सुबह हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनके साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की थी, तो हम लोगों ने पुलिस को उनका प्रार्थना पत्र दिया है और ACP भी आ गई थी हमारी। और प्रार्थना पत्र देने के बाद 5 अभियुक्त में से 2 अभियुक्त पुलिस ले आई है, उनको हवालात में उन्होंने डाल दिया है। बाकी 3 को पकड़ने का ऐसा उनका कहना है कि प्रयास कर रहे हैं, शाम तक उनको ही पकड़ लेंगे। क्या कोई पार्क में लड़का टहलने आया था उसको बहुत मारा पीटा गया? हाँ, वो जो लोग हैं हमारे यहाँ के क्षेत्र के अवस्थी परिवार के लोग हैं, वहाँ पे उन्होंने मारपीट की, बदतमीजी करी है और इसी के विरोध में हम लोग आए थे यहाँ पर कि सामाजिक लोगों को जो चोट पहुँचाने का काम करेगा ऐसे लोगों को हवालात में होना चाहिए। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कानपुर नगर से संवाददाता प्रवीण सिंह चंदेल की रिपोर्ट।